नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग अड्डा पे। आज हम बात करेंगे जो हमारी कोलख 14201 गन्ना किस्म है, इसकी हम लोग आज तुलना करेंगे हमारी जो पुरानी किस्म थी 8436 से। तो सबसे बड़ा किसान भाइयों दोनों में यह फ़र्क है कि जो हमारा 14201 है इसकी हाइट तकरीबन हमारी 11 से 12 फीट तक चली जाती है इसकी गन्ने की। और वही अगर बात करें हमारे 8436 की तो उसकी किसान भाइयों की हाइट जो जाती थी नॉर्मल वो तकरीबन 7 से 8 फीट ही जाती थी। यानी उस हमारा 8436 से इसकी जो लंबाई है किसान भाइयों वो तकरीबन 2 से 3 फीट ज़्यादा जाती है नॉर्मल उसकी लंबाई के। और इसके साथ साथ किसान भाइयों जो भार है गन्ने में दोनों का सेम ही है। अगर आप क्योंकि जो हमारा 8436 था वो थोड़ा हाइट कम लेता था पर उसकी जो भार होता था वो भार किसी भी गन्ने में वैसा भार नहीं होता था, सबसे ठोस गन्ना माना जाता था वो भार के मुकाबले में। और जो हमारा 14201 है ये भी काफ़ी ठोस गन्ना है अंदर से, और इसीलिए इसका जो इंडिविजुअल गन्ने का भार है वो 8436 जैसा इसका भार हमें देखने को मिलेगा। और किसान भाइयों अगौले दोनों के सिमिलर ही हैं, उनके भी अपराइट आपको गौरिया देखने को मिलता होगा, यानी ऊपर की तरफ हमेशा उसकी पत्तियां खड़ी रहती हैं। इसी तरीके से हमारा जो 14201 है कोलक, इसकी भी जो पत्तियां किसान भाइयों हमेशा ऊपर की तरफ आपको खड़ी मिलेंगी, ज़रा बड़ी इसकी पत्तियां नहीं होती हैं और हल्का चौड़ी पत्तियां होंगी इसकी। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा 8436 था उसकी भी आँखों में हल्का सा आप देखते होंगे कि हल्का हल्का उसकी उभरी रहती हैं, और इसकी भी जो आँखें हैं किसान भाइयों हल्का सा आपको उभरी हुई देखने को मिलेंगी, परंतु इसकी आँखों पे आपको पंखनुमा आकृति देखने को मिलेगी। जो 14201 गन्ना है इसकी आँखों पे आपको पंखनुमा एक आकृति देखने को मिलेगी, ये सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है किसान भाइयों। और इसके सिवा इसकी जो पोरियाँ होंगी वो लमसम मध्यम लंबाई की आप इसकी पोरियाँ पाएंगे, जैसे जैसे आप ऊपर को जाएंगे इस ऊपर को इसकी पोरियाँ आपको छोटी देखने को मिलेंगी। जो इसकी बाहरी छाल है किसान भाइयों वह 8436 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, तो उसकी जो बाहरी छाल है काफ़ी टाइट है परंतु अंदर से जो गन्ना काफ़ी नरम होता है। और जो इसका रूट सिस्टम दोनों का किसान भाइयों वो भी सिमिलर ही है, दोनों कम जो हमारा 14201 है वो भी बहुत ही कम गन्ना गिरता है और हमारा 8436 गन्ना था वो भी काफ़ी कम गिरता था। दोनों का जो हमारा रूट सिस्टम है काफ़ी गहराई तक जाता है, इसीलिए इनको नीचे से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है और हमारा जो नीचे न्यूट्रेंट होते हैं उनको भी काफ़ी नीचे से या गहराई से अवशोषित करके अपनी जो खुराक है वो लेते रहते हैं। इसीलिए हमारा जो हम लोग जो खाद देते हैं किसान भाइयों अपने खेतों में तो उसका लमसम आप काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आप ये हमारे पौधे ग्रहण कर पाते हैं। और अगर बात करें 8436 का जो प्रोडक्शन आता था तकरीबन हमारा 350 से 400 क्विंटल प्रोडक्शन आता था, परंतु उससे इसका जो प्रोडक्शन है 14201 का तकरीबन 100 क्विंटल ज़्यादा आका गया है। लमसम में इसका किसान भाई को 500 क्विंटल के आसपास का प्रोडक्शन आता है, परंतु आपको प्रोडक्शन की अगर बात कहें तो ये हर जगह क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से किसान भाई वैरी करता है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका 500 क्विंटल ही इसका उत्पादन आएगा। अगर आपके यहाँ के हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन अलग होती हैं, हो सकता है आपके यहाँ 400 ही आए या आपके यहाँ 600 भी आ सकता है, तो ये प्रोडक्शन किसान भाई कभी भी फिक्स नहीं होता, वो अपने आप पर ही डिपेंड करता है, अपने जो आपका भूमि है उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर ये गन्ना वैरायटी काफ़ी अच्छी है हमारे उत्तर भारत के लिए और पूरे भारत के लिए। लमसम यह हमारी किस्म अर्ली में स्वीकृत की गई है और इसमें रिकवरी काफ़ी अच्छी है किसान भाइयों। और जैसे हमारा 8436 हमारा जो था गन्ना वैरायटी वो जूस के लिए काफ़ी अच्छी रिकमेंड की जाती थी, उसी तरीके से हमारी जो कोलख 14201 है ये भी जूस के लिए काफ़ी अच्छी गन्ना किस्म है। और इसका जो किसान भाइयों गुड़ बनता है यानी जैगरी वो हमारी गोल्डन टाइप की बनती है, यानी जो सुनहरे रंग का इसका आपको गुड़ देखने को मिलेगा, यानी गुड़ की क्वालिटी भी इसकी 8436 की तरह काफ़ी अच्छी है। कुल मिला के या गन्ना किस्म किसान भाइयों किसानों के फायदे के लिए है, आप इसका चयन करके आप इनकी बुआई अवश्य करें अगर आपको इसका बीज कहीं से अवेलेबल होता है। और किसान भाइयों अगर हम लोग बात करें इसकी पेड़ी की तो 8436 की जो पेड़ी थी वह इतनी अच्छी किसानों के द्वारा बताई जाती इतनी अच्छी इसकी पेड़ी नहीं होती थी, परंतु जो हमारी जो नई किस्म आई है कोलख 14201 ये हमारी जो किस्म है इसकी जो किसान भाइयों पेड़ी है ना वो काफ़ी अच्छी, यानी टिलरिंग के मुकाबले इसका कोई गन्ना नहीं करता, क्योंकि इसकी जो प्लिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और मोटाई हमारी जो गन्ने की है वो 8436 इतनी ही मोटाई है, पर लंबाई जो है वो 8436 से इसकी ज़्यादा है और पेड़ी भी 8436 से इसकी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें
रोगों की, तो आपको थोड़े बहुत रोग आपको 36 में देखने को मिलेंगे, परंतु इसमें अभी तक कोई रोग आपको नया, क्योंकि नई गन्ना वाटी है, इसमें अभी तक कोई किसी प्रकार का रोग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस अगर बात करेंगे सर भाइयों, गन्ने के बाहर जो वैक्स होता है वो आपको 36 के बाद जो गन्ना आप पत्ती निकोलेंगे नहीं, तो उस पर देखेंगे कि जो आपका इंटरनोड है उस पर आपको वैक्स देखने को मिलेगा। उसी तरह से आपको जो हमारा कोल्हक 14201 है, इस पर भी आपको वैक्स की अच्छी खासी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के किसान भाई इसका भी प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। अगर आपको इसका बीज कहीं से भी मिले, आप इसकी एक बार बुवाई जरूर करके देखिएगा, क्योंकि आप किसान भाई जो भी किस्म नई आप नई ट्राई करते हैं, थोड़ा है उसका पहले, उससे पहले आप थोड़ा हिस्सा लगा के देखें। अगर आपके यहाँ आपके क्लाइमेट को सूट कर रही है, तभी आप उसको बड़े रकबे में आप उसको बाद में लगाएँ। तो किसान भाई कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।